और ये पानी, हाँ जी, ये वो चने वाला पानी है। रोगन, आज हम आ चुके हैं गंगा मैया के पास और गंगा मैया के स्नान कर लिया है हमने। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सैंड। गाइस, आज हम आ चुके हैं गंगा मैया के पास और गंगा मैया के स्नान कर लिया है हमने और अभी हम भाई कुछ बढ़िया जायका ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और भगवती छोले भंडार एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी दुकान है यहाँ पे, तो यहाँ के आज आइटम्स ट्राई करते हैं और देखते हैं जो हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं क्या सच में इतना बढ़िया टेस्ट है इनका। वीडियो लाइक करें और हमें सपोर्ट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर दीजिएगा गाइस। आइए भाई, ये देखिए छोले भटूरे भी हैं सर, यहाँ पे मटर कुलचे भी हैं। मटर कुलचे, छोले कुलचे ही है, ठीक है, कुलचे भी ले सकते हैं, भटूरे भी ले सकते हैं आप। और ये इतनी क्वान्टिटी में सब कस्टमर्स के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। गाइस ये देखिए, ये सबसे मेन शॉट है यहाँ का और इतनी क्वान्टिटी में यहाँ पे छोले हैं। सर थोड़ा छोले के बारे में बताइए अपने, क्या क्या इसमें चीज़ आप डालते हैं इंग्रीडियंट्स में? मसाला होता है, सिर्फ मसाला होता है। ये रेडिश सा कलर आ रहा है जो ये रोगन है, और यहाँ पे पैकिंग भी होती है। एक तो यहाँ की चटनी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, लाल चटनी, हरी चटनी, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे मटके में रखी हुई है। और भाई अपनी डोली में भी ले जाते हैं सर यहाँ पे। सही है, तो इसका क्या चार्ज लेते हैं डोली का पूरा? कुछ लेते हैं। ये ऊपर से रोगन, ये ऑयली है ना ऊपर, ये बटर वगैरह कुछ है, ऑयल होता है, ऑयल। और ये ऊपर से मसालेदार आलू, ठीक है। और यहाँ पे चने का सूप भी मिलता है जो कि सर ने थोड़ी सी ग्रेवी छोले की डाली नीचे की। और ये ऊपर ये पानी, हाँ जी, ये वो चने वाला पानी है, ठीक है सर। कोई मसाला वगैरह भी ऐड है इसमें? अरे मसाला होता है, चटनी होते हैं, चटनी मसाला, ठीक है सर। एक बार थोड़ा चला के देखेंगे इसको, ये देखिए। तो इसमें छोले वाला पानी होगा जिसमें छोले उबले हुए हैं, साथ में मसाले वगैरह भी ऐड हैं? मसाले होते हैं, मिक्स मसाले हैं, ठीक है। फिर ये अचार वगैरह हो गया, हरी मिर्च का और गाजर का अचार है, अदरक भी रहती है, ठीक है। ये भाई मसालेदार आलू है साइड में, और उसके बाद वो हो गए छोले जो मेन चीज़ है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, बिनोमो, जो कि अवेलेबल है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, लाइक गूगल, एप्पल, गोल्ड एंड इवन इन द करेंसीज लाइक डॉलर्स, यूरो, और 90% तक प्रॉफिट ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक 700 रुपीज़ का ट्रेड अप करा है और मैं कहता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो चेक करते हैं। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप 24 घंटे के अंदर या तो अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में विदड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपये है, जिसको आप बैंक या UPI के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके बिनोमो को डाउनलोड कीजिए एंड 65,000 रुपीज़ अपने डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे कि आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो गाइस, आज ही बिनोमो को डाउनलोड कीजिए, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड थैंक यू सो मच। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस हम भटूरे बन रहे हैं हमारे, ये रिफाइंड ऑयल नहीं बनता सर, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, बट काफ़ी अच्छा ऑयल लग रहा है और ट्रांसपेरेंट लग रहा है, और साथ में कढ़ाई भी काफ़ी क्लीन लग रही है। अच्छा, यहाँ पे पनीर वाले आप कह रहे हो कि वो यहाँ पे नहीं है? हमारे दूसरी ब्रांच पे वाले नगर में। अच्छा, एक और ब्रांच खुल चुकी है इसकी, ठीक है। हरिद्वार में खुल रही है तीनों ब्रांचे, सही है सही है। पर सबसे पुरानी वाली यही है, यही है। कितने कितने साल पुरानी? 70-75 साल पुरानी दुकान है। फूले हुए भटूरे हैं और बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे कुलचे भी मिलते हैं, छोले कुलचे, छोले भटूरे, छोले चावल, ठीक है। और छोले, छोले, गुलाब जामुन, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, सब होता है। एक बढ़िया आप शुरुआत कर सकते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लग रही है मुझे। आइए अब ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लगने वाले हमारे ये सर बन छोले हैं, बन मिक्स है, अद्दा भी बोलते हैं, अद्दा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने आधा लिया है बन? बन तो मैंने थोड़ा बनाया ना, आपके थोड़ा बनाया, अच्छा अच्छा ठीक है, टेस्ट के लिए। हाँ सही बात है, एक्चुअली इतनी आइटम्स ले रहे हैं तो थोड़ा हम वेस्ट ना हो वो अच्छी बात है। तो ये बन वैसे पूरा डलता है, एक बन पूरा डलता है, ये कुछ यूनिक चीज़ है भाई, ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। ये चटनी, हरी चटनी है,
ये धनिया पुदीने की चटनी। हाँ जी, ये धनिया पुदीने की चटनी है। और फिर ये थोड़ा रोगन के साथ मिक्स करके, और अदरक का लच्छा। तो आप बताइए, क्या आपने ये चीज़ कभी ट्राई करी है? ये भाई हरिद्वार में स्पेशली भगवती जी के पास ही आपको मिलने वाली है। और ये पत्ते कौन से यूज़ होते हैं, डाक के होते हैं? ये मालू का पत्ता है। ये मालू का होता है, डाक वाला ही होता है। डाक वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ये डाक वाला भटूरे के लिए? ये दोनों के लिए यूज़ होता है। अच्छा अच्छा, कुछ यूनिक आइटम है। और सर, ये क्या प्राइस है इसका, एक बन का? एक सबका सेम रेट होता है, 70 रुपये प्लेट। सबका सेम, अच्छा। छोले भटूरे लो, छोले वो कुछ भी ले लो, यहाँ 70 रुपये। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है यार, और लग रहा है कि बन तो पूरा मिक्स ही हो गया होगा अंदर। क्या गया ऊपर से रोगन, ये मसालेदार आलू, हरी चटनी, चाट मसाला, ठीक है। भटूरे लगेंगे, छोले आ चुके हैं। छोले वगैरह एक्स्ट्रा ले सकते सर? जो मैं जितना मर्जी। ठीक, आलू। आइए, भटूरे का भी वेट करते हैं, भटूरे भी आ रहे हैं हमारे। ये साथ में सलाद और अचार भी मिलेगा, ठीक। ये बहुत टेम्पटिंग लग रही है, गजब लग रही है, और मैंने कभी ट्राई नहीं करा, तो आज इसको देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है। गाइस, हमारा देसी फूड हेवन आ चुका है, और इतने बड़े बड़े आइटम्स यहाँ पे हमने लगवाए हैं। क्वांटिटी हमने जानबूझ के बोले कि थोड़ा आधा रखिएगा, ताकि हम फिनिश कर पाएँ। भटूरा सिंगल पीस लिया है, सेम सिंगल पीस कुलचा लिया है। अद्दा ये मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ये बन छोले या फिर मिक्स कहते हैं इसको। सब चीज़ों के प्राइस 70 रुपीज़ है, लेकिन सिंगल लेंगे तो 50 रुपीज़ है। छोले का पानी भी है, ये देखेंगे आप, इसको भी टेस्ट करेंगे। ये हमारे भाई लोटन जी के काफ़ी फेमस है दिल्ली में, जो छोले का पानी देता है अमूल बटर के साथ। बाकी फिर ये छोले ही हैं और मसालेदार आलू के साथ, ट्राई करें। हमने दिल्ली वाले आइटम्स लिए, भटूरे और कुलचे। शुरुआत करते हैं भटूरे से। फूला वो भटूरा, सिंपल भटूरा मिलने वाला है, अंदर आपको कोई फिलिंग नहीं मिलेगी, बट साइज़ अच्छा है भटूरे का, पतले हैं। आइए ज़रा ट्राई करते हैं। छोले मैं कहूँगा मुझे वही पुरानी दिल्ली की थोड़ी याद दिला रहे हैं। हल्के से स्पाइसी साइड है, हल्के नहीं एक्चुअली, थोड़े ज़्यादा ही स्पाइसी साइड है। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, इनका यूनिक टेस्ट अपना, बट थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, थोड़ा स्पाइसी साइड है, और मैक्सिमम आपको मोस्टली ना स्पाइसी ही फील होने वाला है। आलू सही लगा, आलू सॉफ्ट है और थोड़े मसाले दबार है, बट अगर आप छोले छोले ट्राई करते हैं थोड़ा आपको स्पाइसी लगने वाले हैं। आइए ज़रा हम कुलचे पे आते हैं। प्रेजेंटेशन इन्होंने बहुत बढ़िया करा किया, और हरिद्वार में तो कहीं भी जाएंगे ना तो ऐसी आपको मिलने वाली है। आइए इसको भी हम ट्राई करते हैं छोले के साथ। फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मसाले डाल रखे हैं, लेकिन जो मेजर सारे मसाले बना रहे हैं ना, वो थोड़ा स्पाइसी ही बना रहे हैं। अब आते हैं अपने बेस्ट आइटम पे, बेस्ट मतलब कि जो मैंने ट्राई नहीं करा, अद्दा पे। लेकिन मुझे लगता है कि बन इतना सॉफ्ट था कि पता नहीं कहाँ मिल गया होगा इसमें। मुझे लग रहा है छोले का ही स्वाद आने वाला है। ये देखिए बीच में मिल गया। बिल्कुल मलाई की तरह अंदर, बिल्कुल अंदर छुपा पड़ा था। जब आप खाएंगे ना, लग रहा है आपको मलाई खाने वाले छोले के साथ। अच्छा, ये मुझे इनसे बेटर लग रहे हैं। इसमें लाल चटनी डाली है इन्होंने, इसमें ना थोड़ा मीठापन या कुछ खट्टापन मुझे फील नहीं हुआ छोले में। इसमें मतलब खट्टा मीठा टेस्ट मेरे को फील हो रहा है। तो मैं कहूँगा, अगर आप छोले भटूरे छोले कुलचे लेते हैं ना, ये ऊपर से चटनी नहीं डालेंगे, आप खुद लाल चटनी डलवाइएगा इसमें, ठीक है? सही लग रहा है। आप आते हैं सुबह तो आपको लगेगा कि भाई गंगा का स्नान करके, गंगा मैया का स्नान करके कुछ खाया जाए,
और इतने भीड़ वाली जगह पे एक फेमस हिस्ट्री है इस दुकान की, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कम मिर्ची खाने वाले तो थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि हर चीज़ में ना आपकी ज़ुबान थोड़ी जलेगी ज़रूर। और भाई रेट्स की बात करूँ मैं, 70 रुपीज़ की हर आइटम, सिंगल कैसे पानी के लिए पानी, हाँ 3 ग्लास दे दीजिएगा। अब लगने वाली है सर मिर्ची, तो आपकी कदम मज़ेदार है भाई, चटपटी। और सिंगल पीस चाहिए 50 रुपीज़, पूरी प्लेट चाहिए 70 रुपीज़। ये छोले का पानी भाई, ज़रा इसको भी टेस्ट करें। ठंड के मौसम में ना, जुकाम हो सर्दी हो, गरम गरम ये छोले का पानी ले लो, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया लग रहा है। तो मैं एक बार और लूँगा, ये आपको हर आइटम के साथ मिलने वाली है वैसे यहाँ पे, और इसका कोई चार्ज नहीं है, आप इसको जितना अच्छा है उतना रिफ़िल भी करवा सकते हैं। मसाले और छोले का पानी बस यही है इसमें। टाइमिंग की बात करें, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक है, 7 डेज़ ओपन है, और आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं भाई, ऊपर से पूरा लुक आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आप बैठेंगे ना, पूरा लुक आएगा, और ये खाली रहता है ऊपर बैठना। पर भाई अगर स्पाइसी कम खाने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।